सो कैसे आप लोग, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। बेसिकली आपको पता ही है कि हम लोग के हफ्ते हफ्ते में वीडियो आते हैं, तो ये वीडियो भी हफ्ते का होने वाला है जिसमें हम लोग टैटूज पियर्सिंग हफ्ते के आपको दिखाने वाले हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं टैटू आर्टिस्ट, पियर्सिंग आर्टिस्ट और उसके साथ जो माइक्रो ब्लेडिंग एंड आईब्रो टैटूज होते हैं उस रिलेटेड हम लोग के चैनल पे वीडियो आते हैं और वही हम लोग काम करते हैं। तो बेसिकली आज का वीडियो होने वाला कि जितने भी स्टूडियो के टैटूज पियर्सिंग से ना वो हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। शुरू करते हैं हम लोग का वीडियो और देखते हैं कि हफ्ते में कितने अच्छे अच्छे टैटूज एंड पियर्सिंग हुए। तो शुरू करते हैं। सो आज के क्लाइंट हमारे घनसोली से थे, उन्हें बनाना था डैड का टैटू, तो उसमें उनका हैंड, डैड का हैंड एंड उसके साथ बर्थ डेट चाहिए था। तो एक टैटू देखा लेकिन अच्छा नहीं था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फोटोशॉप में उनका हैंड ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद एक अच्छा सा प्रॉपर कस्टम टैटू बना देते हैं। टैटू बनाने के बाद उसका स्टेंसिल बना के प्रिंट आउट करके फाइनली टैटू चिपका देते हैं एंड फाइनल टैटू का रिजल्ट इस वीडियो के बाद आपको दिखाई दे दे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मार्क कर देते हैं हैंड क्लीनिंग करके, उसके बाद पिंटरेस्ट पे हम लोग अच्छा सा एक डिज़ाइन देख लेते हैं। डिज़ाइन देखने के बाद यही डिज़ाइन क्लाइंट को चाहिए था, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उनका हैंड फोटो लेकर हम लोग फोटोशॉप में डाल देते हैं। फोटोशॉप में डालने के बाद वो डिज़ाइन अच्छे से बना के आप लोग देख सकते हैं, हम लोग चेक करते हैं अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अच्छा दिखने के बाद वो प्रिंट आउट निकाल देते हैं। प्रिंट आउट निकालने के बाद फ्री हैंड स्टेंसिल कर देते हैं एंड स्टेंसिल का रिजल्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो जितना अच्छा हम लोग स्टेंसिल बनाएंगे उतना हम लोग का टैटू का रिजल्ट अच्छा आएगा, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग स्टेंसिल के लिए लेते हैं और एक अच्छी सी स्टेंसिल यहाँ पे बना देते हैं। बना देने के बाद देख सकते हो कि स्टेंसिल भी बहुत अच्छे तरीके से आई है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है। देन उसके बाद हम लोग हमारा टैटूइंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी नीडल्स होता है हम लोग का एंड सेटअप एकदम प्रॉपर बना देते हैं। देन उसके बाद हम लोग टैटूइंग स्टार्ट कर देते हैं एंड फाइनल रिजल्ट इस वीडियो के बाद आपको दिखाई दे देगा। सो हम लोग ने 9 RL नीडल यूज़ किया है, ये ट्रेडिशनल नीडल ही हम लोग ने यूज़ किया है इसमें एंड देन एक इंक कप्स एंड ये रोटरी मशीन है जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सो ये टैटू का फाइनल रिजल्ट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो जितना हो सकेगा उतना हम लोग हमारे टैटू में 100% देने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लाइनिंग, फीलिंग और शेडिंग बहुत अच्छी तरीके से हम लोग ने किया है ताकि इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा दिखे। तो जितना अच्छा आप लाइनिंग, फिलिंग एंड डार्क पोर्शन एरिया रहेगा एंड जितना आपका एक्यूरेट टैटूइंग रहेगा उतना रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लेके अच्छे से लाइनिंग प्रोसेस एंड शेडिंग प्रोसेस कर देते हैं, उसमें इसका रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से आया हुआ है। तो ऐसे ही बहुत सारे टैटूज हम लोग हमारे स्टूडियो में बनाते हैं। तो इस वीडियो के बाद हम लोग के जितने भी स्टूडियो के अच्छे अच्छे टैटूज जो हफ्ते में हुए हैं वो भी आपको दिखाए दे देंगे और बहुत सारा टैटूइंग का अच्छा अच्छा सो जितने भी हम लोग के स्टूडियो के हफ्ते के या महीने के टैटूज है वो भी इस वीडियो के बाद आपको दिखाई दे देगा।
तो ये टैटू का रिजल्ट आपको इस वीडियो के बीच में कहीं दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले जितने भी हम लोग के हफ्ते के या एक महीने के जितने भी बैंड टैटूज़ है वो हम लोग देख लेते हैं, देन उसके बाद बीच में आपको इस वीडियो का रिजल्ट दिख जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो हम लोग के पास बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के हम लोग स्टड्स रखते हैं। ये है सेप्टम के स्टड्स, एंड इसके बाद जो आप देखोगे वो बेली के स्टड्स भी हम लोग ने रखे हुए हैं यहाँ पे। तो जितना अच्छा हम लोग का स्टड्स रहता है उतना पियर्सिंग्स हम लोग का अच्छा लगता है और बहुत खूबसूरत लगता है लड़कियों के ऊपर। आप लोग देख सकते हो ये पूरा हम लोग का ना पियर्सिंग का सेटअप है। तो आज दो क्लाइंट आए थे, एक ने हेलिक्स पियर्सिंग किया और बहुत सारे स्टड्स लेके गए, और दूसरा क्लाइंट आया उन्होंने बेली पियर्सिंग किया था। तो पूरा रिजल्ट आपको इस वीडियो के बाद दिखाई देगा, तो ये वीडियो देखते हैं हम लोग।
आज वार है बुधवार, और आज एक ही टैटू हम लोग का अभी तक हुआ है। तो छोटा सा ही एक टैटू था जो फर्स्ट क्लाइंट आए थे, लेकिन उसके बाद दूसरा क्लाइंट आया लेकिन उनका जस्ट कंसल्टेशन हुआ, तो वही नेक का टैटू अभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आज हम लोग ने इस हैंड पे एक टाटू बनाया है जिसे कंपास टाटू बोलते हैं। तो उसका जो क्लाइंट ने रेफरेंस लाया था वो इतना अच्छा नहीं था, फिर भी हम लोग ने ट्राई किया कि 100% हम लोग का देख के उसके बाद ये रिजल्ट कैसा आ रहा है तो देखते हैं। तो आज हम लोग को इस पैर पे टाटू निकालना है, तो मैम को चाहिए था जो एंजल होती है उसकी डिज़ाइन चाहिए था, उसमें अच्छा कलर्स एंड ऑल चाहिए था, और डिज़ाइन ऐसा चाहिए था जो पैर को सूट करे। तो जो पैर को सूट करने वाला डिज़ाइन हम लोग ने लिया, फाइनली उसका प्रिंट आउट किया। प्रिंट आउट निकालने के बाद स्टेंसिल निकाल के चिपका दिया। स्टेंसिल चिपकाने के बाद फाइनल रिजल्ट इसका इस वीडियो के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे।
सो आई होप ये पूरा वीडियो आपने देखा रहेगा, वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशन टू ऑल कर सकते हो। उससे क्या होता है, जैसे ही आपको व्हाट्सअप का मैसेज आता है, व्हाट्सअप को मैसेज को तुरंत क्लिक करने पे आप चैट पे पहुंच जाते हो, वैसे ही आपको यूट्यूब का नोटिफिकेशन आएगा, उसको क्लिक करते तुरंत आप मेरी वीडियो पे पहुंच जाओगे जो सबसे नया आया हुआ है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं अगली बार, लेकिन आपके लिए बहुत स्पेशल ऑफर है। आप नवी मुंबई या दुनिया के किसी भी कोने से रहोगे और आपको अगर टाटू हमारे से निकालना है, हम लोग का वर्क अच्छा लगा तो हम लोग ने आपके लिए बहुत अच्छी ऑफर लाई है, तो वो ऑफर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या इस वीडियो में कहीं पे भी दिख जाएगी अगर आपने पूरा देखा रहेगा तो। सो डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, उसमें सोशल मीडिया हम लोग का कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उसके साथ जितने भी इंस्टाग्राम फेसबुक और जितने भी सोशल मीडिया जैसे टेलीग्राम पे भी हम लोग अच्छे अच्छे टाटूज नए नए टाटूज डालते हैं, तो उसका भी वेबसाइट है। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अभी के लिए टाटा बाय, टेक केयर और प्लीज़ गाइस।